न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 1 सितंबर 2019 से इंडिया में लागू कर दिया गया है। इस एक्ट में चालान का रेट कई गुना तक बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण अक्सर सुनाई देता है कि किसी के 20,000, किसी के 50,000, किसी के 60,000 रुपये के चालान और एक ट्रक ड्राइवर का तो लगभग 1.5 लाख रुपये का चालान भी कल या परसों मैंने सुना था कि 1.5 लाख रुपये तक का चालान कटा है। तो बहुत सारे लोगों को न्यू मोटर व्हीकल एक्ट का रूल शायद पता ही नहीं है, इस कारण उनका इतना ज़्यादा चालान कट रहा है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप सभी को नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ रूल ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आप 22,000 रुपये तक के चालान को 400 रुपये में केवल पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये रूल मालूम चल पाए। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कुछ ऐसे ट्रैफिक रूल वायोलेशन के बारे में बताऊंगा जिसके चालान को आपको पूरा का पूरा भरना पड़ेगा। उसके बाद मैं कुछ ऐसे ट्रैफिक रूल के वायोलेशन के बारे में बताऊंगा जिसके चालान को आप लगभग 22,000 रुपये तक के चालान को केवल 400 रुपये ही आपको जमा करना होगा और चालान से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको नए मोटर व्हीकल एक्ट के रूल नंबर 139 को भी बताऊंगा ताकि आप मोटर व्हीकल एक्ट के सारे नियम को जाने और आपसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसके कारण आपको चालान भरना पड़े। अब मैं आपको उन चालान के बारे में बताऊंगा जिनके चालान को आप कम करके नहीं जमा कर सकते हैं। ओवर स्पीड गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने पे 1,000 रुपये का चालान है। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने का 1,000 रुपये का चालान है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो उसका भी 1,000 रुपये का चालान है। अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं तो उसका 10,000 रुपये का चालान है। अगर आप इमरजेंसी वाहनों को पास नहीं दे रहे हैं, उसको आगे निकलने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं तो उसका 10,000 रुपये का चालान है। और अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए 25,000 रुपये तक का चालान है। इसके अलावा कुछ और भी रूल है जिसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो ये जो भी चालान आपको मैंने बताए हैं, इनके चालान अगर आपके कटते हैं तो आप इनका चालान कम करके नहीं जमा कर सकते हैं। जितना भी इसका चालान का रेट है उतना पूरा का पूरा आपको चालान भरना होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे चालान के बारे में बताने वाला हूँ जिनके चालान को आप केवल 100 रुपये में ही भर सकते हैं। तो उन चालान के नाम है, अगर आप गाड़ी चलाते हुए बिना डीएल के पकड़े गए तो उसके लिए 5,000 रुपये का चालान है। अगर आप गाड़ी चलाते हुए बिना आरसी के पकड़े गए तो उसके लिए 5,000 रुपये का चालान है। अगर आपकी गाड़ी का पीयूसी का पेपर नहीं है तो उसके लिए आपका 10,000 रुपये का चालान है। पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो उसके लिए आपको 2,000 रुपये का चालान हो सकता है। तो ये जो चालान है इनकी कॉस्ट जोड़ दी जाए तो 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 यानी कि टोटल 22,000 रुपये का चालान है। इसे आप केवल 400 रुपये में ही जमा करके ख़त्म कर सकते हो। अगर इन चालानों में से कोई भी चालान आपका होता है तो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत रूल नंबर 139 में ये प्रावधान बनाया गया है कि आपको 15 दिन के अंदर इन सभी पेपर्स को अगर आप संबंधित अधिकारी को दिखा देते हैं या फिर आप रजिस्ट्री के द्वारा अपने पेपर उनको भेजते हो तो आपका चालान माफ़ कर दिया जाएगा और आपको केवल 100 रुपये का चालान भरना होगा। जैसे कि डीएल के लिए केवल 100 रुपये का चालान, आरसी के लिए केवल 100 रुपये का चालान, पीयूसी के लिए केवल 100 रुपये का चालान और इसके अलावा इंश्योरेंस के लिए भी केवल 100 रुपये का चालान आपको भरना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि जब भी आपका चालान कटा है आपका पेपर उसके पहले का बना होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका चालान 1 सितंबर को कटा है तो आपका पेपर 1 सितंबर से पहले का बना हुआ होना चाहिए, तभी आपके सारे चालान को माफ़ करके केवल 100 रुपये का किया जाएगा। तो यही कुछ जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इसकी नॉलेज ज़्यादातर लोगों को नहीं है जिसके कारण लोग घबरा रहे हैं और ज़्यादा चालान भी जमा कर दे रहे हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको पहले रूल बताए हैं या पहले के जो चालान आपको बताए हैं जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव बिना हेलमेट के, तो इन सभी पर कोई भी छूट नहीं दी गई है, इस पर कोई भी ऐसा नहीं है। तो इन ऐसी चीज़ें आपको करनी ही नहीं है जिसके कारण आपका इन सभी चीज़ों का चालान कटे। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और आप अपने चालान को बचा सकते हो और आप ज़्यादा चालान भरने से भी बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को ये वीडियो आप जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस रूल का पता चल सके और वो भी ज़्यादा चालान भरने से बच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।